नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ आदित्य। सो आज हम स्टार्ट करेंगे गेम ट्यूटोरियल स्नैक का, ठीक है? कि स्नैक का गेम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वो हम लोग, एक नॉर्मल गेम हमने तैयार किया है। ये चीज़ देखिए, सो इस तरीके से हमारा ये फूड स्नैक लेगा और ये बड़ा होता जाएगा जैसे नॉर्मल स्नैक गेम होता है, तो इसी को हम लोग तैयार करेंगे फिलहाल तो। ओके सो चलिए जानते हैं। बहुत नॉर्मल है, इसमें हम कोई लेवल नहीं लगाए हैं और ये कहीं भी बॉडी से टच होगा सो वो गेम ओवर हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। और इसमें हमने कुछ कमांड नहीं दिया है, वो आप लोग के साथ ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसको और अच्छा बनाए, हम तो ऐसे डेमो के लिए हमने तैयार कर दिया एक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट मस्ट है। HTML तो आपको आएगा ही अगर जावा स्क्रिप्ट आपको आता है तो HTML और जावा स्क्रिप्ट है तो बेटर है, और CSS है तो थोड़ा सा और बेटर है। वैसे CSS की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो कमांड देंगे नहीं तो वो भी जावा स्क्रिप्ट से हमारा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट। सो सबसे पहले हम इस पेज को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। एक गेम नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। क्या हो रहा है भाई? और इसके अंदर स्नैक स्नैक डॉट HTML, स्नैक डॉट HTML का फोल्डर बनाया, और इसमें नॉर्मल HTML कॉल करेंगे। हेड बॉडी, जैसा कि हम लोग एक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और हम यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं स्नैक गेम, ताकि हमें पता रहे। और बस, और इसका आउटपुट देखते हैं तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे स्नैक गेम लिखा हुआ है क्योंकि हमने टाइटल डाला। तो सबसे पहले हमारा ये कैनवास है, और जितने भी HTML5 में जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग कैनवास के ऊपर ही क्रिएट करते हैं। गेम हुआ या कोई भी कैनवास का कोई भी रोल है वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग कैनवास का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैनवास लिखेंगे, कैनवास आईडी हम देंगे कैनवास को, आईडी भी कैनवास ही रखते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं कैनवास। अब इसमें हम विथ और हाइट देते हैं। विथ इक्वल टू 500 एंड हाइट इक्वल टू 500। अब इसको आप CSS के स्टाइल में भी दे सकते हैं, बट हम CSS के स्टाइल में नहीं देंगे क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी हमको चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए विथ और हाइट। इसमें हम CSS का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बैकग्राउंड को देखिए, अभी क्या है, अभी हमको एक ब्लैक सरफेस चाहिए 500 और 500 का। तो जैसे ये ब्लैक हमने किया है तो उसके लिए हमने CSS का डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो जावा स्क्रिप्ट से भी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल जब हमारे पास है तो हम CSS से ही यूज़ करते हैं। स्टाइल डाला और हमने ओह नो, और आईडी कैनवास का यानी हमारा ये कैनवास है उसका आईडी, जहाँ भी कैनवास आईडी हो उसका बैकग्राउंड, उसके लिए बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक, ओके। सो ये ब्लैक हो गया, रीसेट। यस, सो ये हमारा 500 का विथ, 500 का हाइट हमारे पास है। इसी तरह ये भी है, इसको भी रीसेट करते हैं हम। तो 500 का विथ, अब इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए या अब यहीं रहने देते हैं। सेंटर में करने के लिए यहाँ पर सेंटर लिख देंगे तो सेंटर हो जाएगा, बट अभी हम लोग सेंटर में नहीं रखेंगे। ये विथ और हाइट है, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो नाउ, अब हम लोग इसमें स्क्रिप्ट CRIPT स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, हम चाहे तो इसके अंदर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का, लेकिन हम लोग इसके अंदर नहीं लिखेंगे। हम लोग अलग से फाइल कॉल कर लेते हैं src इक्वल टू snake.js, और जो कि अभी बना नहीं है,
और हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं और स्नैक डॉट जे एस बना लेते हैं, स्नैक डॉट जे एस उसी फोल्डर में। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना है कि जो ये हमारा कैनवास बना हुआ है, जो हमारा ये कैनवास बना हुआ है 500 विड्थ और 500 हाइट का, इसको हमें जावा स्क्रिप्ट में रोल करना है, जावा स्क्रिप्ट में कॉल करना है किसी एक वेरिएबल में। तो उसके लिए हमको वेर, हम यहाँ पे सी वी एस लिखते हैं, कैनवास इक्वल टू हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैनवास। हमने क्या किया है कि ये जहाँ पर भी है, ये कैसे यहाँ से कनेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि देखिए, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट को कॉल किया है स्नैक डॉट जे एस को। स्नैक डॉट जे एस को कॉल करने का मतलब कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट कॉल हो रही है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा जा रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ और है कि इस जो भी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे कैनवास के नीचे लिखेंगे, कैनवास के ऊपर मत लिखिएगा वरना वो रन नहीं करेगा। ओके अगर ऑन लोड रहेगा तो रन कर जाएगा, लेकिन ऑन लोड नहीं रहेगा तो रन नहीं करेगा। अब हमको कैनवास पे परफॉर्म करना है, इसलिए कैनवास को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो हम वेरिएबल में स्टोर किए हैं सीवीएस इज इक्वल टू, हम डाले जो डॉक्यूमेंट है उसका गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी जो उसकी आईडी है वो कैनवास होनी चाहिए, वो सीवीएस में स्टोर हो। ओके तो अब अगर हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो देखिए हमारा अब सीवीएस पे कंट्रोल हो गया, अगर हम मतलब कैनवास पे कंट्रोल हो गया, कैनवास मतलब ये सीवीएस हम इसलिए डाले, कोई भी वेरिएबल नाम हम डालें यहाँ पे, आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हम सी वी एस लिखते हैं, सी वी एस डॉट विथ इक्वल टू अगर हम 600 देते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये विथ इसका बढ़ जाता है, हाइट भी इसी तरह देते हैं, हाइट भी देते हैं एच ई आई जी एस टी, यस। तो हाइट भी देखिए बढ़ गया। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा कैनवास डॉट विथ डाल दिए, तो अब ये विथ वाला ले रहा है, क्योंकि ये सेकेंड टाइम, अगर यही चीज़ स्क्रिप्ट को हम ऊपर लिख देते ना, देखिए वो ले नहीं रहा है, वो रन ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले रन ये करेगा देन इसके बाद ये वर्क करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्क्रिप्ट को हम लोग नीचे ही लिखेंगे। सो इस समय हमारा कैनवास का विथ कितना है, 500 है। सी वी एस डॉट हाइट कितना है, ओ ये क्या कर रहे हैं भाई, 600 है। अब इस को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे कुछ आर्ट डिज़ाइन करने के लिए या कुछ डिज़ाइन करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए 2D। उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना होगा, एक काम करते हैं, एक मिनट, वेरिएबल लेना होगा सी टी एक्स, हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, हम सिंटैक्स नाम से एक वेरिएबल ले रहे हैं सी टी एक्स नाम से। इसमें दे रहे हैं सी वी एस, सी वी एस जो हो डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट हो, गेट कॉन्टेक्स्ट हो 2D। ये लिखने से क्या होगा, ये लिखने से ये होगा कि इसमें हमारा कुछ एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा, जैसे हम सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल एंड बहुत चीज़ें, हमारा एट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे इसको लिखने से, सिर्फ सी वी एस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि अब हमको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि हमको एक डॉट बनाना है, एक स्नैक बनाना है, स्नैक का पोजिशन बनाना है कि कहाँ होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, देखिए सी टी एक्स, सी टी एक्स डॉट, अब देखिए हमने सी टी एक्स में स्टोर किया है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी कैनवास का डॉट गेट कंटेक्स्ट। क्यों, क्योंकि सी वी एस क्या है, सी वी एस इज इक्वल टू ये है पूरा हमारा, और उसके बाद डॉट गेट कंटेक्स्ट हो गया, मतलब इस समय सी टी एक्स का मतलब हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये इसका पूरा मीनिंग हुआ किसका, 2D सी टी एक्स का। हम चाहते तो डायरेक्ट सी वी एस में भी लिख सकते थे, लेकिन हम अगर हमको इसके कैनवास को अगर हमको प्रिफर करना होता, सी वी एस को मतलब ये कैनवास है, ये इसको अगर हमको कुछ विथ और हाइट देना होता तो हम नहीं दे पाते, इसलिए हमको दोनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, सी टी एक्स का मतलब ये है पूरा का पूरा। ओके अब हम यहाँ पे हमको कुछ परफॉर्म करना है, मान लीजिए हमको एक पॉइंट रखना है, ये स्नैक बनाना है मुझे अभी। ओके सो उसके लिए कैसे बनाना होगा मुझे, सी टी एक्स डॉट फील एस टी एस कैपिटल में होगा स्टाइल, फील स्टाइल हम डालेंगे
पहले फील स्टाइल इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू हम यहाँ पे वाइट डाल देते हैं, वाइट, ओके। एंड नाउ सी टी एक्स डॉट फील, एफ स्मॉल में रहेगा, स्टाइल हो गया, अब यहाँ पे रेक्ट होगा, फील रेक्ट कोष्टक में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देंगे, देन वाई की वैल्यू देंगे, अभी बताएंगे एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे विथ देंगे और यहाँ हाइट देंगे। ये हमारे पास चार इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ लीजिए कि जो हमको पास करना है इसमें, एक्स देना है, वाई देना है, विथ देना है और हाइट देना है। यानी जो भी हमको रेक्टेंगल बनाना है वो पहले वाइट कलर का हो, और उसका एक्स से पोजीशन क्या हो, वाई से पोजीशन क्या हो, विथ क्या हो और हाइट क्या हो। एक्स से पोजीशन मतलब ये हमारा एक्स हुआ, ये पूरा जो जा रहा है ना, हम थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको, ये जो पूरा है ना वो एक्स हुआ, ओके। और ये जो इधर से चल रहा है ये हो गया हमारा वाई, ये एक्स हुआ, ये वाई हो गया। तो अभी हमारा टोटल एक्स कितना है, 500, 500 एक्स है एंड 500 वाई है। तो अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि एक एक्स और एक वाई विथ हो 10 और ये भी हो 10, तो यहाँ पे देखिए एक पिक्सल छोड़ा है इसने और 500 में 1% इसको डिवाइड किया है और 1% में यहाँ पे ये कॉल हो गया 1 और 1, ओके। तो विथ और हाइट यानी स्नैक का हमको, ये स्नैक बन गया हमारा, छोटा सा स्नैक हमारा आ गया, लेकिन स्नैक को हम एक वेरिएबल में लिखते हैं क्योंकि हमें आगे चल के इसका काम होगा, इसलिए हम एक वेर स्नैक विथ डालते हैं और विथ हम दे देते 10, स्नैक का विथ 10 हो एंड स्नैक का हाइट, हाइट भी 10 हो, स्नैक कैपिटल विथ इजगल टू 10, स्नैक कैपिटल हाइट इजगल टू 10, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये 10 10 है, अगर हम यहाँ पे स्नैक हाइट विथ, स्नैक विथ और स्नैक हाइट अगर हम लिखते हैं तो देखिए वापस से वही चीज़ होगा, आ रहा समझ में। अब एक सबसे बड़ी चीज़ है आगे हम लोग को ध्यान देने वाली होगी कि ये मेरा कैनवास जो है वो 500 और 500 का है, यानी 500 विथ है और 500 हाइट है, ओके। तो मान लीजिए हम फूड, जो भी फूड हम इसको खिला रहे हैं, अभी जो हम फूड इसको खिला रहे हैं ना, देखिए यहाँ फूड आ जा रहा है ना, ये देखिए हम इसको प्रॉपर, एक इसका पोजीशन है जहाँ से ये चल रहा है, ये देखिए ये वो एकदम प्रॉपर पोजीशन पे जा रहा है। तो ये हमने कैसे किया है, हम आपको ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं कि ये जो हमारा फूड आ रहा है ना, वो जो ये हमारा फूड आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि इसका एक पोजीशन डिसाइड है कि ये इसी पोजीशन पे है। जैसे हम आपको कैसे समझाएं, मान लीजिए कि ये पूरा, अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसे बताते हैं आपको। मान लीजिए हम कोई यहाँ फूड देते हैं, ठीक है, और इस, ये हम आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं यार, ओके चलो हम इसको अभी आगे करते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको स्नैक पहले आगे बढ़ाना है, ठीक है, अभी हम ये वाला आपको इस टॉपिक पूरा क्लियर कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे थे अभी, हम तो हमको लग रहा है आगे करना चाहिए जहाँ तक। सो, अब हमको स्नैक को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, ये तो वाई वाला पोजिशन है, ये एक्स वाली पोजिशन है। अगर एक्स में हम 2 लिखते हैं, सेव करते, तो देखिए ये हल्का सा बढ़ गया। अगर हम 20 लिखते हैं तो ये देखिए हल्का सा बढ़ गया और, ओके। तो ये एक मिनट दो, हाँ, तो ये कैसे बढ़ रहा है, ये हमने यहाँ पे जो भी 500 में, अगर हम यहाँ पे 500 लिखेंगे तो ये एकदम जाके चिपक जाएगा, दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे वो है ऑलरेडी, यहाँ पे है। अब इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि सी वी एस डॉट विथ को अगर हम बढ़ा दें, इस वक्त हम विथ को कर देते हैं 600, तो आपको वो दिख जाएगा क्योंकि वो 500 में जाके चिपक गया, ये देखिए यहाँ पे गया, देखा ना। बट हमको ये नहीं रखना है सी वी एस, ये इतना ही। तो विथ हमने क्या किया है, 500 कर दिया, अगर 500 में 490 करेंगे तो ये देखिए इधर आ गया, ओके। अच्छा, अब आपको देखना है कि 490 करने से ये पूरी तरह यहाँ चिपका हुआ है, वो कैसे, क्यों, क्योंकि 10 इसका विथ है और 10 प्लस 490 इजगल टू 500, ठीक है, तो ये 500 अब जाके यहाँ पे हुआ। तो यही हम आपको समझाना भी चाह रहे थे कि अब हमें कोई पोजीशन नहीं पता है, हम 500 इस, मतलब अगर हमको मान लीजिए इसको मूव ही कराना है, मान लीजिए यहाँ पे एक अभी लिखा हुआ ना, एक अगर हमको मूव कराना है तो 2,
फिर तीन, फिर चार, मतलब बहुत मूव, हल्का हल्का मूव हो रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपको परफॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको एक एक ब्लॉक ले होना चाहिए, क्योंकि इसका विथ है, विथ के साथ एक ब्लॉक होना चाहिए, फिर एक ब्लॉक होना चाहिए ताकि हम फूड को भी डिसाइड कर पाएँ कि फूड कहाँ पे आए। ये हम लास्ट में आपको क्लियर कर देंगे। सो इसके लिए हम, मुझे क्या करना होगा कि इसमें जो भी हम, जैसे वन लिया और ये वन लिया, ठीक है, वन एंड वन, तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वन और वन का एक पोजीशन डिसाइड होना चाहिए। तो वन इंटू इंटू स्नैक विथ एंड वन इंटू स्नैक हाइट। अब क्या होगा कि ये देखिए, थोड़ा सा वन और वन का ब्लॉक छोड़ा है। मतलब हमने हमने क्या किया है कि इस वक्त कैनवास को एक ब्लॉक में पहले डिवाइड कर दिया है। इसमें कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं, इसमें कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं। जैसे हम आपको एक यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर देंगे, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम इसको ना फंक्शन, अच्छा इसको भी हम एक फंक्शन में कॉल कर लेते हैं ना, इसको फंक्शन में पहले हम कॉल करते हैं, फंक्शन ड्रॉ स्नैक स्नैक। ओके, हमने इसको फंक्शन में कॉल किया है और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं एक्स और यहाँ पे वाई, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या हो, और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई हमने ऐसा लिखा है। अब देखिए, ड्रॉ ड्रॉ स्नैक, एक्स की वैल्यू हम वन डालते हैं और वाई की वैल्यू हम टू डालते हैं। तो देखिए, ये वन एंड टू छोड़ा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको ज़ीरो डालते हैं, तो ये देखिए ऊपर चिपका रहेगा, और इसको वन डालते, तो ये देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। अब इसको हम टू डालते हैं, आगे बढ़ा, थ्री डालते हैं और आगे बढ़ा। अब देखिए, हम अगर यहाँ पे 50 डालते हैं तो क्या होता है, ये एकदम भाग जाएगा, सॉरी 10 डालते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। एंड 49, 49 डालते हैं यहाँ पे, ये चिपक गया, क्यों? अब देखिए हो क्या रहा है, हम जो 490 डाले थे, याद है आपको, 490 हमने जो डाला था, उससे क्या हुआ था कि ये 490 इंटू 10 बराबर यहाँ पे आ गया, यानी 490, यानी हमने इसको 50 ब्लॉक्स में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हमने 50 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। दरअसल क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें स्नैक को मूव कराने में और स्नैक के फूड को वहाँ पे पहुँचाने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ऐसे हमको पता रहेगा किस ब्लॉक में हमको स्नैक के फूड को पहुँचाना है। अगर हम 48 करेंगे तो एक ब्लॉक छोड़ के आएगा। ये देखिए, इसको समझाने के लिए हम एक और फंक्शन आपको बनाते हैं, फंक्शन ऐसे डेमो डेमो एक्स, डेमो एक्स, इसमें हम एक्स कॉमा वाई पास कराते हैं। इस पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, हम एक इसको ब्लॉक में डिवाइड करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा कॉल कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक मिनट, हम थोड़ा इसको ना स्पेस ले लेते हैं, वाइट स्पेस। इसमें हम देते हैं यही चीज़, कंट्रोल सी, नाउ कंट्रोल वी, और इसको हम कर देते हैं रेड रेड। और इसका जो विथ है ना, इसका विथ है ना, या, इसका विथ 100 नहीं रखेंगे, इसका विथ हम रखेंगे, सॉरी सॉरी 10 नहीं रखेंगे, इसका विथ हम कैनवास का विथ के बराबर रखेंगे, सी वी एस डॉट विथ। कैनवास का विथ कितना है, 500 है। अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं। डेमो एक्स, एक्स का पोजीशन हम वन रखते हैं एंड वाई का पोजीशन रखते हैं टू, अरे एक्स का जीरो रखेंगे और वाई का टू। तो ये देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है। इसी तरह हम इसको दोबारा कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे वन रखते हैं, इसको जीरो ही रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं वन। तो देखिए इससे सटा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या होगा, एक ब्लॉक ये, दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा ब्लॉक ये। ओके, इसको एक काम करते हैं, ये एक्स हुआ हमारा ना, इसी तरह इसको ना एक एक ब्लॉक करके हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आएगा।
तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर वेर आई इक्वल टू ज़ीरो, वेर सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू ना, लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि 50 हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, हमने 50 अभी दे रहे हैं इसको, आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो तो अच्छा है। प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस डन। नाउ हम यहाँ पे यही डेमो एक्स, अब यहाँ पे जीरो एक्स की पोजीशन हम जीरो रखते हैं, वाई की पोजीशन रखते हैं आई। इससे क्या होगा कि सब जगह रेड हो जाएगा ना। हाँ, और ये यहाँ पे भाई आ जा, आई प्लस 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 प्लस। ओके सो ये देखिए हमारा एक ब्लॉग में डिवाइड हो गया, 50 ब्लॉग्स में डिवाइड हो गया। अब इस किस तरीके से डिवाइड हुआ इसको जानने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। और इसी चीज़ को हम ना वापस से कॉल कर लेते हैं वाई के लिए, यहाँ पे विथ हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और हम यहाँ पे विथ, अच्छा एक डेमो वाई रखते हैं, सॉरी डेमो वाई, और इसको विथ जो हम रखेंगे इसको हम रखेंगे स्नैक हाइट ही रखते हैं, और विथ कैनवास विथ रखते हैं, CVS डॉट हाइट, HEIG एच ओ सॉरी हाइट। ओके, और हम यहाँ पे भी अब ये आई को ज़ीरो कर देते हैं और इसको वन कर देते हैं। अच्छा ये इससे क्या होगा ये हम आपको, अरे यार क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने लग रहा है, डेमो एक्स को कॉल कर रहा है ना यहाँ पे, डेमो वाई कंफ्यूज हो गया, करना क्या है, क्या प्रॉब्लम, डबल कॉमा ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा कॉल हो गया एक्स, वाई में क्यों नहीं कॉल हुआ भाई, CVS ओ ये विथ एक्स अक्ष वाई हो गया। नाउ इसको WIDTH विथ, इसको यहाँ पे 10 रख देते हैं ना यार, सीधे सीधे कि हाइट विथ 10 हो और हाइट हो 500, बस इतना नहीं करना है। ये आ गया, बट ये चला क्यों नहीं, और डेमो वाई एक्स इज प्लस प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे वन आई लिखना है ना मुझे। ओके ये ब्लॉक में हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अच्छा ये कैसे हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहेंगे ज़रूर इसको। हमने क्या किया है कि एक डेमो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें एक्स और वाई को पास आउट किया है, जिसका हम स्टाइल रेड किए कि जो भी इसके नीचे रेक्टेंगल बने उसका रेड बने। रेक्टेंगल में हमने क्या दिया कि एक्स एक्स इंटू स्नैक विथ, यानी एक्स की जो भी पोजीशन हो वो स्नैक विथ से इंटू हो, और वाई के जो भी पोजीशन हो वो स्नैक से इंटू हो, और एक्स और वाई यहाँ पे हमारा है जो भी हमारे पास आउट होगा, और कैनवास विथ है और स्नैक का हाइट है, स्नैक का हाइट कितना है 10, हमने ऐसा डेमो में रखा है। अब इसके बाद फॉर लूप में हम लगाएं आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50 एंड आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू इस समय 0 हो, और आई तब तक चलता रहे जब तक या तो वो 50 के बराबर ना हो जाए या तो 50 से बड़ा ना हो जाए, ठीक है, तब तक चलता रहे, और आई प्लस प्लस हर बार एक बढ़ता जाए, फिर यहाँ पे आने के बाद जो है वैल्यू उसमें भी एक बढ़ जाए, यानी 0 है तो यहाँ पे आएगा तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस बढ़ने के बाद, फिर यहाँ पे आने के बाद 2 हो जाएगा, तो एक छोड़ने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट होगी, तो इस हिसाब से 0 1 2 यहाँ पे 2 पुट होगा, फिर 3 4 फिर 5 पुट होगा, फिर 6 7 8 पुट होगा, तो ये एक एक ब्लॉक को छोड़ता जा रहा है और 50 तक ब्लॉक ब्लॉगिंग कर दिया। इसी तरह हमारा वाई का भी है कि हमने विथ दिया हाइट दिया, और इससे क्या हो रहा है जो हमारा वन लिखा रहा है वन ब्लॉक छोड़ रहा है, वन ब्लॉक छोड़ने के हम यहाँ पे आपको ऐसे समझाते हैं, इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे इसको वाई करते हैं। अब देखिए हम वन लिखते हैं तो देखिए ये पहले ब्लॉक में आएगा, हाँ सॉरी ये 0 हुआ ना, पहला ब्लॉक 0 हुआ, 0 0 हम लिखेंगे तो
तो ये पहले ब्लॉक में आया क्योंकि एक्स से भी जीरो है एंड वाई से भी जीरो है। अब यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में जाना है, एक्स के दूसरे ब्लॉक में, एक्स इजगल टू वन एंड वाई वाई इजगल टू जीरो, तो ये देखिए दूसरे ब्लॉक में आ गया। तीसरे ब्लॉक में जाना है तो एक्स इजगल टू थ्री एंड वाई इजगल टू जीरो। अब ऊपर से एक ब्लॉक, दो ब्लॉक एंड तीन ब्लॉक, हम यहाँ चाहते हैं कि एक्स इजगल टू वन हो और वाई इजगल टू थ्री हो, यानी जीरो वन टू हो, सॉरी ठीक है, जीरो ये होगा जीरो वन टू। तो यहाँ पे पहला ब्लॉक, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, चल भाई आ जा, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, ये देखिए ये आ गया। अब हम इसको ना इसमें आपको करके परफॉर्म करके बताते हैं ज़रा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब मान लीजिए ड्रॉ ड्रॉ स्नैक करते हैं और हम इसमें देते हैं ड्रॉ स्नैक वन एंड ज़ीरो, तो ये कहाँ पे आएगा, वन यहाँ यहाँ पे होगा और ज़ीरो ऊपर ही होगा। इंटर किए, देखिए यहाँ पे बन गया ना। अब हम चाहते हैं कि लास्ट में यहाँ पे आए, तो ड्रॉ 49 एंड ज़ीरो, तो ये देखिए यहाँ पे आया, 48 डालेंगे तो उसके बगल में बनेगा, बना ना। एंड फिर इसी तरह 40, अब इसको हम ज़ीरो रखते हैं और यहाँ पे थ्री वाले ब्लॉक में, ज़ीरो वन टू फोर वाले, थ्री में, फोर में डालना है इसलिए मुझे थ्री लिखना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक में बन गया। तो आपको समझ में आ गया कि हमने इसको इनटू क्यों किया, क्योंकि हमें एक ब्लॉक को डिफाइन करना था। इसको अगर हमने एट ब्लॉक में 50 ब्लॉक इधर से डिफाइन किया, 50 ब्लॉक इधर डिफाइन किया, अब क्या होगा, अगर हमारा कहीं भी फूड आएगा तो हमारे पास एक उसका लोकेशन होगा कि एक्स से 50 चलना है या एक्स से 40 चलना है एंड वाई से इतना चलना है, तो वहाँ पे फूड आपको मिल जाएगा। नहीं तो फूड कहीं पर भी हल्का सा भी माइनर इधर उधर होगा तो स्नैक के हेड से वो टकरा नहीं पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमको ये ब्लॉक को डिफाइन करना होता है। कहीं भी आप देखेंगे ना, कोई भी HTML5 या कोई भी गेम होगा, उसमें पहले ब्लॉक डिफाइन होता है। आप जैसे कैंडी क्रश सबसे ज़्यादा खेला जाता है, उसमें देखेंगे आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको मिलते रहेंगे, तो वो डिफाइन होता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल डेमो का, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आते हैं, क्योंकि टाइम हमारे समझ से लग रहा है ज़्यादा हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियोस अपडेट करने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।